हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी को एक लीड मिल गई थी। उसे पता चल गया था कि इस एक्स वाई का मतलब शू यांग है। अपने ऑफिस में जाकर वो एक नोटबुक निकालता है और सारे थॉट्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। वांग जी सोचने लगता है शू यांग ने वुइंग को एक प्रोजेक्ट ऑफर किया था, ये किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा। वेंचिंग के अकॉर्डिंग वुइंग एक कंप्यूटर जीनियस था, तो क्या शू यांग वुइंग से कुछ कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करवाना चाहता था। शू यांग वेंस के लिए काम करता है तो वो जरूर कुछ इलीगल करने के लिए कह रहा होगा, इसलिए वुइंग ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जिस दिन वुइंग गायब हुआ था उस दिन शू यांग ने उसे कोई एनवलप भेजा था और उस एनवलप में कुछ तो ऐसा था जिससे वुइंग ने तुरंत शू यांग को फिर से कॉन्टेक्ट किया था। क्या वेंस ने वुइंग को उस प्रोजेक्ट के लिए ब्लैकमेल किया होगा? क्या वेंस ने वुइंग को मार दिया होगा? वांग जी एक गहरी सांस लेता है और फिर से सारी बातें सोचने लगता है। वो खुद से कहता है आज की रात एक लंबी रात होने वाली है। यहाँ से फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वांग जी एक बार फिर छत पर जा रहा था, वुइंग वहाँ खड़ा हुआ था एकदम किनारे पर, उसके हाथ में फ्लूट थी। वांग जी उसके पास जाकर कहता है वुइंग। वुइंग उसकी तरफ मुड़ता है, वो वांग जी को देखकर अचानक से हंसने लगता है। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसके फेस पर ब्लड भी था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। वांग जी एक बार फिर कहता है वुइंग। वांग जी उससे कहता है मेरे पास आओ वुइंग, पर वुइंग उससे दूर जाना शुरू कर देता है। वुइंग इतना पीछे जा चुका था कि वो छत के एकदम किनारे पर था। वांग जी अपना हाथ बढ़ाते हुए उसकी तरफ भागता है, पर वो टाइम से नहीं पहुंच पाता। वुइंग छत से छलांग लगा देता है, पर वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वुइंग को बहुत खून बह रहा था। वांग जी उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं खींच पा रहा था। वुइंग उससे कहता है लंजा, मुझे जाने दो। इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता, उसे आवाज़ सुनाई देती है, वांग जी। वांग जी हड़बड़ाते हुए अपनी डेस्क से उठ जाता है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था जो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। तब उसे समझ आता है कि ये सब क्या हुआ था। वो वुइंग की केस फाइल को स्टडी करते करते डेस्क पर ही सर रखकर सो गया था, और शायद ये उसका सपना था, एक बहुत बुरा सपना। वो शिचैन था जो उसे आवाज़ दे रहा था। वांग जी उससे पूछता है क्या टाइम हुआ है ब्रदर। शिचैन कहता है मिडनाइट होने वाली है वांग जी, पर हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। नी मिंजे का एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक है पर उसे काफ़ी चोट आई है और फैसंग वहाँ अकेला है। वांग जी तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है जो उसने साइलेंट पर रख दिया था, उसमें हुएसांग की काफ़ी सारी मिस कॉल्स थी। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हुएसांग चेयर पर बैठा हुआ था। हुएसांग वांग जी को देखकर कहता है तुम्हें अपना फ़ोन पिक करना नहीं आता क्या। वांग जी कहता है आई एम सॉरी, मैं सो गया था। शिचैन हुएसांग से अपनी मिंजे की हालत पूछता है तो हुएसांग कहता है वो अब ठीक हैं, इंटरनल इंजरीज नहीं हैं, उनकी कॉलर बोन की एक सर्जरी होगी जिसके लिए रात भर उन्हें यहीं रहना होगा। वांग जी उन ऑफिसर से बात करने के लिए जाता है जिन्होंने नी मिंजे को एडमिट करवाया था। वो उससे कहती है कि यह हिट एंड रन का केस था। नी मिंजे की मोटरसाइकिल के साथ एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, पर उस कार का पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि वांग जी को लगता है कि ऑफिसर झूठ बोल रही थी। इस बीच नी मिंजे को होश आने लगता है। शिचैन और वांग जी उसे विजिट करने के लिए जाते हैं। वांग जी कहता है ब्रदर, क्या मैं नी मिंजे से प्राइवेटली थोड़ी बातें कर सकता हूँ। शिचैन कहता है ऑफ कोर्स वांग जी, और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी नी मिंजे से पूछता है कि आपको सच में लगता है कि यह हिट एंड रन का केस था। नी मिंजे कहता है सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता, मुझे इसमें वेंस की ही कोई चाल नज़र आती है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं आपसे ज़िद नहीं करता, हम लोग वहाँ नहीं जाते और वेंस इस तरह आपको निशाना नहीं बनाते। नी मिंजे कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या वांग जी, ये हमारी जॉब है और चाहे कुछ भी हो जाए हमें जॉब तो करनी ही है। वांग जी कहता है अब आपको आराम करना चाहिए, हम इस बारे में कल डिस्कस करेंगे। यहाँ से फ्लैशबैक की शुरुआत होती है। वांग जी अपनी बिल्डिंग के बाहर मेल बॉक्स में कुछ मेल डालने के लिए जा ही रहा था कि तभी वुइंग उसे पीछे से आवाज़ देता है। वांग जी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसे लगता है कि कहीं वुइंग किसी दिन अपने लुक से उसका मर्डर ही ना कर दे। वुइंग ने स्लीवलेस ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और रनिंग शॉर्ट्स पहने हुए थे। वुइंग की मसल्स और उसके थाइस क्लियरली वांग जी को दिख रहे थे। उसके हाथों में एक बैग था और बालों में उसने पोनी टेल बनाई हुई थी। वो हंसते हुए वांग जी के पास आता है और उससे कहता है मुझे लगा ही था कि ये तुम हो।
वांग जी का मन कर रहा था कि इसी वक्त वो वुइंग को अपनी बाहों में ले ले और मेल बॉक्सेस के पीछे ले जाकर उसे किस कर ले, पर वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है और वुइंग से हेलो कहता है। वुइंग उसे कहता है, हेलो लंजा, हैप्पी संडे, मैं वॉक के लिए जा रहा था, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? 10 दिनों में आज पहली बार मुझे छुट्टी मिली है और अपार्टमेंट में इतनी गर्मी है कि बैठा ही नहीं जा रहा, इसलिए मैंने सोचा पार्क में जाकर थोड़ी छाया लेता हूँ। वांग जी भी उसके साथ वॉक के लिए जाना चाहता था। वो दोनों पार्क में जाते हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वुइंग एक छोटे से डॉग को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है। वो छोटा सा डॉग भौंकते हुए उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। वुइंग तुरंत उठकर एक पेड़ के पीछे चला जाता है। वांग जी भी उठकर उसके पास आता है। जैसे ही वो डॉग उन दोनों के पास आता है, वुइंग वांग जी के पीछे छुप जाता है और उस डॉग से कहने लगता है, दूर जाओ यहाँ से। वांग जी डॉग और वुइंग के बीच में था, तभी उस डॉग का ओनर उन दोनों के पास आता है और अपने डॉग को वापस लेते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं कैसे ये भाग आया। वुइंग ने डर की वजह से वांग जी के शर्ट को बुरी तरह पकड़ लिया था और उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, वुइंग? वुइंग फाइनली चैन की सांस लेता है जब वो डॉग ओनर अपने डॉग को अपने साथ ले जा चुका था और वो वांग जी की शर्ट ठीक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा। वुइंग की पेल स्किन को देखकर वांग जी उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वुइंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे बस डॉग्स पसंद नहीं। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं जिस फैमिली में रहता था उनके पास बहुत बड़े बड़े डॉग्स थे, मुझसे भी बड़े थे। एक दिन किसी खाने को लेकर उन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया था। तब से मेरे अंदर डॉग्स को लेकर डर बैठ गया है। 20 साल हो चुके हैं पर आज भी मुझे डॉग्स से बहुत डर लगता है। थैंक गॉड उसके कुछ टाइम बाद ही मैं अपनी एडॉप्टिव फैमिली के साथ रहने लगा था। उन डॉग्स के साथ मुझे ज़्यादा नहीं रहना पड़ा। वांग जी वुइंग के कंधे को सहलाता है और उसके बैग में से वाटर बोतल निकालकर उसे पानी पीने के लिए देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। शेंगशा वांग जी से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है, मुझे कुछ खबर मिली है। विभूषण के गायब होने से पहले उसे जिन कोई टावर में देखा गया था। वांग जी कहता है, क्या वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से मिलने गया होगा? जेंगशा कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि विभूषण जिन जुशन को ज़्यादा पसंद नहीं करता। वो तो बस शिजी की वजह से उनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेता है। जेंगशा अब कॉफ़ी लेने के लिए बाहर चला जाता है, तभी कैप्टन याओ वहाँ आता है जो काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। वांग जी उसे देखते ही सल्यूट करता है। याओ उससे कहता है, लैन, मुझे पता चला कि तुम लोग वेंस के पास गए थे, क्या ये विभूषण की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है? वांग जी कहता है, यस सर, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी हमारे केस के लिए, इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी था। याओ कहता है, अब तुम दोनों को इस पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है डिटेक्टिव्स, मैंने ये केस मेजर क्राइम्स टीम को दे दिया है, मंडे से तुम लोग इस पर काम नहीं करोगे। वांग जी कहता है, लेकिन क्यों सर, ये केस मेरा और डिटेक्टिव नी का है और हम दोनों वुइंग को ढूंढने के बहुत नज़दीक हैं। याओ कहता है, लैन, आए दिन कोई ना कोई गायब होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना किसी रीज़न के, बिना किसी सबूत के नाइटलेस सिटी पहुंच जाओ। शायद मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे और डिटेक्टिव नी के पास इस केस के अलावा भी 5 और केसेस हैं। तुम लकी हो लैन जो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रहा हूं। मंडे से ये केस मेजर क्राइम्स को दे दिया जाएगा, एम आई क्लियर? वांग जी कहता है, यस सर। कैप्टन याओ के जाने के बाद जेंगशा वापस आता है और वांग जी से कहता है, लगता है हमें मंडे से पहले विभूषण को ढूंढ निकालना होगा। फ्लैशबैक शुरू होता है। संडे का दिन था। वांग जी पीचेस खरीदने के लिए मार्केट आया हुआ था। वो पीचेस की शॉप पर था, अचानक उसे फील होता है कि किसी ने उसका एक पैर पकड़ लिया था। वांग जी उस तरफ देखता है तो 3 से 4 साल का एक छोटा सा बच्चा था जिसने टाइटली वांग जी के पैर को पकड़ ही लिया था। वांग जी उसकी तरफ देखकर एक सॉफ्ट स्माइल देता है और उससे कहता है, हेलो। वो बच्चा वांग जी को देखकर शायली कहता है, गगा। आसपास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जो वांग जी को काफ़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। सबको लग रहा था कि वो बच्चा वांग जी का है। वांग जी उस बेबी को अपने पैर से अलग करने की कोशिश करता है पर वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वांग जी उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम खड़े हो सकते हो? हम तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढेंगे, शायद तुम खो गए हो। वांग जी उसे गोद में उठाने की कोशिश करता है पर वो बच्चा अचानक से नीचे गिर जाता है। वांग जी उसे तुरंत उठाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? पर वो बच्चा वियर्ड सा फेस बनाता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर वांग जी काफ़ी पैनिक हो गया था। वो बेचारा मन में कह रहा था, कोई तो मेरी मदद करो। अचानक कोई आवाज़ देता है, आयुएन।
वहीं उनके पास आता है और आईयूएन को गोद में उठाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो वांग जी को देखकर कहता है, लंजा तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई? वहीं को देखकर फाइनली वांग जी की जान में जान आती है। वहींग आयुएन से कहता है, आयुएन जब हम मार्केट में हो तो तुम्हें मेरा हाथ पकड़े रहना चाहिए, अगर तुम खो जाते तो। आयुएन फाइनली रोना बंद कर देता है। वहींग कहता है, मुझे खुशी है कि तुम लंजा से मिले, लंजा मेरा फ्रेंड है। और वो वांग जी से कहता है, लंजा इससे मिलो, ये आयुएन है मेरा बेटा। ये शब्द सुनकर वांग जी के चेहरे का जैसे रंग उड़ जाता है। वहींग का एक बेटा है, उसने आज तक इस बारे में मेंशन क्यों नहीं किया? वांग जी के चेहरे का रंग देखकर वहींग हंसते हुए कहता है, जरा अपने चेहरे की तरफ देखो लंजा, क्या तुमने सच में विश्वास कर लिया कि मेरा 3 साल का एक बच्चा होगा? वांग जी अपनी डिग्निटी को बचाते हुए वहींग से कहता है, शेमलेस। वहींग हंसते हुए कहता है, आयुएन मेरे रूममेट्स का कजिन है। आयुएन की ग्रैंडमा को थोड़ी चोट आ गई थी, इसलिए आयुएन हमारे घर हैंगआउट करने के लिए आ गया। वहींग आयुएन को नीचे उतारते हुए कहता है, तुम बहुत भारी होते जा रहे हो। वांग जी आयुएन से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, क्या तुम थोड़ा पीच खाना चाहोगे? आयुएन कहता है, हाँ। वो पीच खाने लगता है। वहींग उससे कहता है, क्या तुम लाइब्रेरी चलना चाहोगे? आयुएन पीच से एक बड़ा सा बाइट खाते हुए कहता है, ओके। वहींग उसे डांटते हुए कहता है, छोटे छोटे बाइट्स खाओ यू एनाकोंडा। आयुएन ने अपना पूरा मुंह गंदा कर लिया था। वांग जी अपनी पॉकेट से एक हैंकरचीफ निकालता है और वहींग को देता है। आयुएन अपना थोड़ा सा पीच वहींग के साथ भी शेयर करता है। उन दोनों की क्यूटनेस को देखकर वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वांग जी वहींग से कहता है, तुम बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे हो। वहींग कहता है, आयुएन है ही इतना औसम। वो लोग पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए थे। आयुएन अचानक वांग जी के चारों ओर घूमने लगता है और आवाज़ें करने लगता है। वहींग कहता है, आयुएन उसे तंग करना बंद करो। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, उसे खेलने दो। आयुएन अब वांग जी की गोद में जाकर बैठ जाता है। उसे वांग जी के साथ खेलता हुआ देखकर वहींग कहता है, आयुएन लगता है तुम मुझे भूल ही गए हो, तुम कितनी जल्दी लोगों को रिप्लेस कर देते हो ना। अब हमें चलना चाहिए आयुएन, वांग जी गगा के पास और भी लोग होंगे जिनके साथ वो हैंग आउट कर सकें, ना कि हमारे जैसे अनोइंग लोग। तभी वांग जी कहता है, नहीं। वहींग कहता है, तुम्हारे पास और लोग नहीं है जिनके साथ तुम हैंग आउट कर सको? वांग जी कहता है, नहीं, तुम अनोइंग नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता है। वहींग कहता है, लंजा प्लीज़ ऐसी बातें मत कहा करो, मैं कैसे ये सब बर्दाश्त कर पाऊँगा। फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है। अब वांग जी वहींग के बारे में पूछताछ करने के लिए शाओ शिनचैन के पास आया हुआ था। वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। शाओ शिनचैन कहता है, विभूषण मेरा फ्रेंड था। वांग जी पूछता है, 3 हफ्ते पहले तुमने एक पार्टी रखी थी, उसमें विभूषण था ना? शाओ शिनचैन कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, क्या विभूषण ने उस दिन तुमसे कुछ बातें की थी? शाओ शिनचैन कहता है, 3 हफ्ते पहले की बात है और मैं ड्रिंकिंग में बिजी था, मेरी मेमोरी भी इतनी परफेक्ट नहीं है तो मुझे नहीं याद। मोस्टली उसने कोडिंग के बारे में ही मुझसे बातें की थी जो मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी, पर वो कह रहा था कि उसने एक नया कोड लिखा है। वांग जी पूछता है, क्या आपकी इस कॉन्वर्सेशन के बारे में किसी और ने भी सुना था? शाओ शिनचैन कहता है, शायद सुना होगा, हाँ उस पार्टी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शायद किसी ने सुन लिया हो। चिंगछा पूछता है, क्या शुयांग भी उस पार्टी में मौजूद था? शाओ शिनचैन के फेस का कलर एकदम चेंज हो जाता है और वो कहता है, शुयांग का ये सबसे क्या लेना देना है? वांग जी कहता है, हमें विश्वास है कि वहींग के गायब होने में शुयांग का कहीं ना कहीं हाथ है। शाओ शिनचैन कहता है, अगर ऐसा है तो ये तो सच में बहुत गलत है। चिंगछा कहता है, पर तुम उस साइको को जानते कैसे हो और तुमने उसे अपनी पार्टी में क्यों बुलाया? शाओ शिनचैन कहता है, मेरा और सोंगलन का ब्रेकअप हो चुका है, एक दिन मैं शुयांग से मिला था, वो मेरा नंबर मुझसे मांगने लगा, मैंने उसे अपना नंबर दे दिया, उसके बाद हम दोनों के बीच बातें होने लगी, लेकिन मेरे और उसके बीच में कुछ ही महीनों के लिए डेटिंग हुई थी, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, उस पार्टी के तुरंत बाद ही हम दोनों में ब्रेकअप भी हो गया था। वांग जी पूछता है, क्या शुयांग ने विभूषण से बातें की थी? तो शाओ शिनचैन कहता है, हाँ कुछ समय के लिए, और जैसा कि मैंने कहा उन दोनों के बीच कोडिंग को लेकर, मॉडर्न वेबसाइट्स को लेकर बातें हो रही थी। वांग जी कहता है, पार्टी के बाद शुयांग ने विभूषण को किसी प्रोजेक्ट को लेकर मैसेज किया था, क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है? शाओ शिनचैन कहता है, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वांग जी कहता है, अगर शुयांग सच में इसमें इन्वॉल्व है तो क्या तुम ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हो जहाँ वो किसी को रख सके? शाओ शिनचैन कहता है, ऐसी तो कोई जगह नहीं है,
वो अपने अपार्टमेंट में किसी को नहीं रखता। शाओ शिनचैन से भी उन लोगों को ज़्यादा कोई क्लू नहीं मिलता। अब वांग जी और नी मिंगजे डिसाइड करते हैं कि वो वैनिंग को कॉन्टैक्ट करेंगे, शायद वैनिंग को कुछ पता हो। वांग जी वेंजिंग के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहता है, हेलो मिस वैन, मैं डिटेक्टिव लैन हूँ, क्या हम आपके भाई वैनिंग से बात कर सकते हैं? विभूषण के डिसअपीयरेंस के बाद मेरा उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। वेंजिंग एक बार फिर वही कहती है जो उसने उस दिन कहा था, वैनिंग अपने वर्क प्लेस पर गया हुआ है, पता नहीं वो कब तक वापस आएगा। वांग जी कहता है, ठीक है, जब वो वापस आए तो आप प्लीज़ उससे कहना कि मुझे कॉल कर ले। वेंजिंग ओके कहकर कॉल कट कर देती है। वांग जी को कुछ अजीब लगता है, वो मन में सोचने लगता है, वेइंग वैन सिब्लिंग्स के बहुत करीब था, वो अक्सर उन लोगों की बातें किया करता था, तो आखिरकार वैनिंग या वेंजिंग में से कोई भी क्यूरियस क्यों नहीं है वेइंग के बारे में जानने के लिए। वैनिंग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर काम करता था। वांग जी वहाँ के बॉस को कॉल करके वैनिंग के बारे में पूछता है, तो वहाँ का बॉस कहता है, आई एम सॉरी डिटेक्टिव, लेकिन वैनिंग एक हफ्ते से यहाँ नहीं आया है। उसकी सिस्टर ने फ़ोन करके कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद तो वांग जी के जैसे होश उड़ जाते हैं। अगर वैनिंग वर्क प्लेस पर नहीं गया तो वेंजिंग ने उससे क्यों कहा कि वैनिंग वर्क प्लेस पर है? आखिरकार वैनिंग है कहाँ? क्या दो पर्सन मिसिंग है? अगेन फ्लैशबैक शुरू होता है। वेइंग और आईयुएन से फार्मर्स मार्केट में गुड बाय कहने के बाद वांग जी अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी थी। ये बारिश एक हफ्ते तक नहीं रुकी थी। जब फाइनली एक हफ्ते बाद बारिश रुकती है, वांग जी को रात को मौका मिलता है छत पर जाने का। उसे थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि वेइंग छत पर होगा या नहीं। जैसे ही वो छत पर जाता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी कुछ बदल गया है, क्योंकि उसे अल्कोहल की बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। वेइंग ड्रिंक ज़रूर करता था, पर उसे कभी भी इतनी तेज़ स्मेल नहीं आती थी। वांग जी उसके नज़दीक जाता है। वेइंग उससे कहता है, हेलो लंजा। वेइंग की आंखें बहुत लाल थीं और उसके हाथ में एक विस्की की बॉटल थी। वांग जी उससे कहता है, तुम ड्रंक हो? वेइंग कहता है, मैं तो हमेशा ड्रंक रहता हूँ लंजा। वांग जी कहता है, पर इस तरह तो नहीं। वेइंग बस हंसने लगता है, तो वांग जी कहता है, सब कुछ ठीक है ना? वेइंग खुद को संभालता है और वांग जी की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, हाँ लंजा, सब कुछ ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वेइंग उसके इतना नज़दीक था कि वांग जी उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। वेइंग कहता है, लंजा, तुम्हें रैबिट्स पसंद है ना? वांग जी को नहीं पता था कि वेइंग ने अचानक ऐसा क्यों पूछा, पर वो हाँ कर देता है। वेइंग हंसते हुए कहता है, एक दिन तुम्हारे लिए मैं एक बनी लेकर आऊँगा, मैं उसे खाना खिलाया करूँगा, उसके साथ खेला करूँगा। ऐसा कहते कहते वो वांग जी के शोल्डर्स पर अपना सिर रख लेता है और उससे कहता है, तुम चाहो तो तुम भी आ जाया करना, हम दोनों साथ में उसके साथ खेला करेंगे और उसे कैरेट खिलाया करेंगे। वांग जी कहता है, बनीस के लिए कैरेट्स अच्छी नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत शुगर होता है, बनीस को केवल ग्रासेस और लीव्स खानी चाहिए। वेइंग हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, और एक फेक सीरियस वॉइस में कहता है, हम तुम्हारे सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। अचानक वो उसकी नेक को स्मेल करते हुए कहता है, तुमसे हमेशा इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है लंजा? वांग जी फिर से खुद को कंट्रोल करता है और एक नॉर्मल वॉइस में कहता है, ये सैंडलवुड है, मैं हमेशा इसे वेयर करता हूँ। वेइंग को वांग जी के शोल्डर्स पर स्लीपी फील होने लगता है और वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही उसके कंधे पर सिर रखे लेटा रहता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।